मुस्किन थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे रोड पर स्थित मोहन मोबाइल शॉप से मोबाइल व एक्सेसरीज चोरी करने वाले आरोपी जिल्लू उर्फ जितेंद्र बया को भिलाई 3 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 41 नग मोबाइल फोन व एक्सेसरीज कीमत 7,50,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। आरोपी द्वारा 3 दिन पूर्व ही मोबाइल शॉप में चोरी की गई थी। जेल से छूटते ही आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। मोबाइल शॉप में मिले सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की पहचान सुनिश्चित की गई। भिलाई 3 में हुए एक चोरी के मामले का आज खुलासा हुआ है। 2 दिन पूर्व मोबाइल दुकान में घुस के चोर द्वारा जो है 7,50,000 के करीब 41 मोबाइल चोरी हुए थे। तुरंत FIR किया गया। 9.5 लाख की चोरी का FIR किया गया। आसपास के सारे CCTV फुटेज को चेक किए गए। दुकान के अंदर जो CCTV था उसके पुराने रिकॉर्ड्स को चेक किए गए तो संदेहास्पद व्यक्ति रेकी करते हुए पाया गया। और उसका घटनास्थल के दिन उसका जब CCTV फुटेज लिया गया तो घटनास्थल से 400 मीटर दूर एक CCTV में वो कैद पाया गया। जितने पुराने चोरी के लोग जेल से छूटे थे उनके रिकॉर्ड से जब मिलान किया गया तो एक रिकॉर्ड से इसका मिलान हुआ और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को उसको गिरफ्तार किया गया। ये व्यक्ति जेल से 3 मई को ही छूटा था और छूटने के 15 दिन के अंदर उसने इस चोरी को अंजाम दे दिया। हमारी अब कोशिश है कि जितने संदिग्ध लोग हैं जो कि इस मामले में चोरी के मामले में जेल में बंद हैं या इन पर अपराध कायम है उनका हम फिंगरप्रिंट लेके फिंगरप्रिंट ऑटोमेशन सिस्टम पर भी उसको डालेंगे जिससे कि आगे हमें सहूलियत होगी। सभी बैंकिंग संस्थानों एजुकेशन संस्थानों दुकानों से मेरी अपील है कि वो अपने दुकान के अंदर और बाहर भी पर्याप्त मात्रा में CCTV लगाएं जिससे कि हमें प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को डिटेक्ट करने में फ़ायदा मिलेगा। जो लोग सूना घर छोड़ के छुट्टी में या कहीं किसी काम से बाहर जाते हैं उनसे ही मेरा आह्वान है कि वो थाने में अपना नाम और एंट्री कराएँ जिससे कि पुलिस पेट्रोलिंग उनके घर को चेक करते रह सके और वो पड़ोसियों को भी बता के जाए जिससे कि पड़ोसी भी उस घर पर नज़र रख पाएँ। लगातार प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है और अब जो क्राइम ब्रांच बना है तो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के निकाल में प्रतिशत और बढ़ेगा ऐसी हमें उम्मीद है।